देखिए, मैं फिलवक्त जो हूँ, ये जो मलकपेट रोड जिसको बोलते हैं ऑफिस, ये बीबी कैंसर हॉस्पिटल से लेके जो सोयल होटल तक जा रही है और सोयल होटल से चंद्रघाट तक, तो कई दिन से ये रोड ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। यहाँ पर सोयल होटल से जो ब्रिज उड़ रहा है, ये सैदाबाद, सैदाबाद से संतोष नगर, संतोष नगर से चंद्रायन गुट्टे तक इनॉग्रेशन होके तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा हो रहा है, और कंट्रैक्टर की तरफ से कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं। अगर कोई मेरा ट्विटर फॉलो करता है तो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हादसा पेश आया। इस रोड पे एक साथ 3 काम चल रहे हैं। जो रोड के दाएं जानिब है, लेफ्ट, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक का मोटा केबल डाला जा रहा है, और राइट साइड में जो ऑफिसर्स कॉलोनी की रोड है, वहाँ पर एक पानी की लाइन डाली जा रही है, और बीच में रोड बनाए जा रहे हैं। ये बारिश के, जब से आसार चालू है, बारिश पिछले 5 दिन से चल रही है, लेकिन ना तो TSSPDCL वाले, ना हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले, ना आपके GHMC वाले ये प्रिकॉशनरी मेजर नहीं ले रहे हैं। कल रात को एक ऐसा वाकया पेश आया, सोयल होटल पर एक काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम है लियाकत अली खान उर्फ जाहिद, जो सोयल होटल पे निहारी डालता था, कल रात में वो लड़का जो है सोयल होटल, जो DGP ऑफिस, DGP का घर है बाजुक में, मैं हमारे कैमरामैन को कहूँगा कि बताए, ये DGP का घर है जो आप देख रहे हैं, और वो सामने वो गड़ा है वहाँ पर जो देख रहे हैं, तो आप उस गड़े में कल रात में जो है ये सोयल होटल पे काम करने वाला लियाकत अली खान जाहिद, जो डबिलपुरे का साकिन है, पिछले 4 दिन से वो गड़े में लोग गिर रहे, और वो लोगों को बचाने के लिए बोट लगा रहा था। पीछे से ये जो ऑफिसर्स कॉलोनी से एक स्पीडिंग कार आ रही थी, उसको कार टक्कर मार के शदीद जख्मी हुआ, उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर गए, मर गया। वाकया होके तकरीबन 18 घंटे होने को आ रहा है, अभी तक बल्दिया का कोई अमला नहीं आया, ना TSSPDCL इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कोई आए, ना वाटर वर्क से कोई आए। चंद्रघाट इंस्पेक्टर से अभी मैं बात किया, वो स्पॉट पे है, तहकीकात कर रहे हैं। एक मासूम की जान चले गई बल्दिया की लापरवाही की तरफ से। बल्दिया वाले बोल रहे हैं वो गड़ा जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है, इलेक्ट्रिक वाले बोल रहे हैं वो गड़ा बल्दिया वालों का है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट वाले आपस में खेल खेल रहे हैं। एक मासूम की जान चले गई। हमारा मुतालिबा है हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का केस बुक करते हुए यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर को फौरी गिरफ्तार करना चाहिए, और इस एरिया के जो जोनल कमिश्नर है चार मीनार जोन के, उनको शोकाज नोटिस देते हुए उनको सस्पेंड करना चाहिए। मासूम की जो जान गई, उसकी अहलिया, दो मासूम, दो बेटे एक बेटी है उसको, मासूम 3 बच्चे है उसको, जो है जाहिद के घर वालों को कम से कम 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया, सरकारी नौकरी और एक 2-बेडरूम फ्लैट देना चाहिए। इसकी सख्ती से इसकी तहकीकात करना चाहिए। मैं आज जो है तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी हम लेटर लिखेंगे, गवर्नमेंट को भी लेटर लिखेंगे। इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता वो सियासी पार्टी का कि कंट्रैक्टर से कुछ पैसे लेके ये जो ब्रिज बन रहा है, ये जो रोड आप देखिए कि डबीरपुरा चंचलगुड़ा जेल कने एक बड़ा मलबा पड़ा हुआ है 3 महीने से, उसको साफ नहीं किया जा रहा है। उसके आगे आप जाइए, वो होटल है सामने जो सैदाबाद चौरस्ते पे, आधी होटल की पार्किंग कवर कर ली, आधी गड़े है, लोग रोजाना गिर रही। उधर सैदाबाद जाइए आप, वहाँ पर पूरे गड़े है, वहाँ पर कोई प्रिकॉशन नहीं, कंट्रैक्टर की तरफ से कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा है। आप और ज़रा आगे जाइए, संतोष नगर चौरस्ता जाइए, वहाँ का तो इतना बुरी हालत है। अगर आप सैदाबाद से हाफिज बाबा चंद्रायन गुट्टा जा रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा लग रहा 10 मिनट के रास्ते को। तो हमारा मुतालिबा है कि सबसे पहले वो जो ब्रिज का काम चल रहा है उसकी सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए, और एक कल जो बच्चा गिर के मरा है उसके खिलाफ में केस बुक करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, और उसको एक्सग्रेशा देना चाहिए।